हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट डबल कॉलम कैश बुक का एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने समझी थी कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपके स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते स्टेटमेंट कि हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं कैश बुक के अंदर। कैश एंड बैंक कॉलम यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दो बैलेंस गिवन है। ये ओपनिंग बैलेंस है, जो कैश इन हैंड है ये कैश का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कैश जो होती है असेट्स होती है। बैलेंस शीट के अंदर असेट्स को डेबिट साइड पे दिखाया जाता है, तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। वहीं बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक के अंदर पैसा था उससे ज़्यादा पैसा है जो विदड्रॉ करवा लिया गया, तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मा समझते हैं। कैश बुक का जो परफॉर्मा होता है इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहला कॉलम डेट का आता है, फिर पार्टिकुलर्स के अंदर रिसिप्ट से दिखाई जाती है, जितना ही पैसा रिसिप्ट हो है सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है। इसी तरीके से हमने क्रेडिट साइड पर सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स के अंदर जो रिकॉर्ड की जाती हैं जितने भी पेमेंट्स आएंगी सारी रिकॉर्ड की जाएंगी। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। जो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है वो हमने रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड पे 2016 की 1 अप्रैल को, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश कॉलम के अंदर 200 से। वहीं 2016 के 1 अप्रैल का बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बैंक कॉलम के अंदर 18,500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। 2 अप्रैल को रिसीव हुआ चेक हरी से और पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव हुआ और बैंक में उसी दिन पेड अप कर दिया, यानी कि जैसे हरी से चेक रिसीव हुआ उसी सेम डे को ही बैंक के अंदर है जमा करवा दिया। तो जब बैंक के अंदर सेम डे को चेक है जो जमा करवाते हैं उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी के नाम से करते हैं। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा अपोजिट अकाउंट हरी टू हरी के नाम से, बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 2 अप्रैल को टू हरी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट 1300 से। 3 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ है विनोद से, तो यहाँ पे चेक रिसीव है विनोद, इसकी कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमने जर्नल एंट्रीज की पास करनी पड़ेगी। क्योंकि जब चेक रिसीव होता है इसका इफेक्ट ना ही तो कैश के ऊपर पड़ा और ना ही बैंक के ऊपर पड़ा, तो हमने कैश बुक के अंदर तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है जिसका इफेक्ट कैश या फिर बैंक के ऊपर पड़े, तो ये जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्ड की जाएगी 2016 की 3 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड को डेबिट कर दिया जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, रिसीव किससे हुआ विनोद से, तो टू में विनोद रिकॉर्ड किया जाएगा 3300 से। कैश बुक के अंदर इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं चेक जो रिसीव हुआ विनोद से यही चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर,
तब ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जब बैंक के अंदर ये चेक को डिपॉजिट करेंगे तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड के नाम से, यानी कि यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तो इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो कैश बुक की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा टू चेक इन हैंड के नाम से, बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। 5 अप्रैल को टू चेक इन हैंड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट 3300 से। 5 अप्रैल को परचेज की गई गुड्स पेमेंट की गई चेक के थ्रू, तो जब गुड्स की परचेज की जाती है, परचेज एक्सपेंस होती है नॉमिनल के हिसाब से, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे परचेज की पेमेंट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि चेक के द्वारा पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे कैश बुक की पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा बाय परचेज अकाउंट के नाम से 20,000। 5 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट बैंक कॉलम के अंदर 20,000 रुपी। फ्रेट की पेमेंट की गई है कैश में 250, तो यहाँ पे जब परचेज करके लेके आए गुड्स, परचेज करके जब गुड्स को पहुँचाया गया प्रोड्यूसर से कंपनी तक, तो यहाँ पे फ्रेट की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस की पेमेंट की गई है तो यहाँ पे कैश के अंदर की गई है, तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे फ्रेट जो कि खर्चा है बाय फ्रेट अकाउंट के नाम से कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 250 से, बाय फ्रेट के नाम से फ्रेट अकाउंट, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 250 क्योंकि पेमेंट कैश के द्वारा की गई है। 6 अप्रैल की ट्रांजेक्शन सेल की गई गुड्स कैश में, तो जब सेल किए जाते हैं गुड्स तो इससे रिसिप्ट होता है कैश का, तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट कौन सा, सेल्स अकाउंट, तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से कैश कॉलम में 12,220 से। 6 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से 12,220 कैश में सेल की गई है, तो इस कारण से कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई है। 8 अप्रैल की ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल की गई गुड्स कैश में, तो ये भी केस कौन सा, सेल वाला, तो जब सेल्स की गई है कैश के अंदर तो सेल करने से रिसिप्ट होता है कैश का, तो कैश जब रिसिप्ट होते तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 16,000 रुपये। 8 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम के अंदर 16,000 रुपये। 9 अप्रैल की ट्रांजेक्शन सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8, यानी कि जो ये 8 अप्रैल की सेल की गई है, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दी गई है, तो जब बैंक में जमा कराया गया होगा तो क्या एंट्री की होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो ये काउंटर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट बैंक कॉलम के ऊपर ही पड़ेगा और कैश कॉलम के ऊपर ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए इसकी जर्नल रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे इसको कैश बुक के अंदर पोस्ट करेंगे, फिर मैं आपको वो भी समझाऊंगी। एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि जब सेल करते समय हमने रिकॉर्ड की होगी ट्रांजेक्शन 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को सेल्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से, ये हमने 8 अप्रैल को रिकॉर्ड की होगी 16,000। लेकिन जब 9 अप्रैल को यही जो कैश मिला है सेल से बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया गया, तो एंट्री हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से कर देनी है 16,000, 16,000, यानी कि बैंक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया जाएगा तो उस केस में बैंक रिसीव करेगी, इस कारण इसको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है कैश को,
रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कहां से कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये जो एंट्री बच्चों सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, आपको जर्नल्स के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं करनी। मैंने सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया ताकि आपकी कन्फ्यूजन है जो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। अब बारी आती है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए कैश बुक के अंदर। सबसे पहले देखा कि बैंक अकाउंट डेबिट है, तो हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट है अपोजिट अकाउंट इसका, तो कैश बुक की डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 16,000 पोस्ट कर देंगे 9 अप्रैल को। तो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं 9 अप्रैल को कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 16,000 जो रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। लेजर फोलियो कॉलम में सी लगा देना क्योंकि ये काउंटर एंट्री है। नेक्स्ट अब हम देखें कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कैश कॉलम में 16,000। तो यहाँ पे जब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 9 अप्रैल को, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाएगी वो अपोजिट अकाउंट के नाम से बाई बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 16,000 से। तो लेजर फोलियो के अंदर सी वर्ड है जो डिनोट करता है ये काउंटर एंट्री है, कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पड़ चुका है, इसका दोबारा से लेजर्स के अंदर जब पोस्टिंग नहीं करनी, ये काउंटर एंट्री जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। 11 अप्रैल के ट्रांजेक्शन कहती है विदड्रॉ किया गया कैश प्राइवेट यूज़ के लिए, तो यहाँ पे विदड्रॉ किस चीज़ को किया गया, कैश को। प्राइवेट यूज़ का मतलब क्या है कि ड्रॉइंग की गई है, जो प्रोप्राइटर होता है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा इस्तेमाल किया बिजनेस का, तो उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो अब कैश को विदड्रॉ करके ले गया, तो इसको हमने अगर जनरल के अंदर रिकॉर्ड करते तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते। तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करने हैं 1,000 रुपी 11 अप्रैल को बाय ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे जो विदड्रॉ की गई वो कैश की गई, तो इस कहाँ से कैश कॉलम के अंदर दिखाएंगे 1,000 रुपी 12 अप्रैल के ट्रांजेक्शन विदड्रॉ किया गया चेक फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये भी प्राइवेट यूज़ के लिए विदड्रॉ किया गया लेकिन चेक के थ्रू किया गया, तो इसका इफेक्ट बैंक के ऊपर पड़ेगा। इसकी अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जनरल में तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते, तो यहाँ पे बैंक को हम क्रेडिट करते, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम में 5,000 रिकॉर्ड करेंगे। 11 के बाद जो ट्रांजेक्शन बनती है 12 अप्रैल बाय ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो इसका इफेक्ट इस बार बैंक कॉलम के ऊपर पड़ेगा क्योंकि चेक के थ्रू है जो पेमेंट की गई है, 5,000 रुपये बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। 14 अप्रैल को गुड्स परचेज की गई है सुरेश से क्रेडिट पे, तो यहाँ पे उधार में जब गुड्स को परचेज किया गया तो कैश का ना ही तो इसमें आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पे जब कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ तो इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल्स के अंदर। तो जो गुड्स खरीदी गई है वो सुरेश से खरीदी गई है, परचेज एक्सपेंस होते हैं नॉमिनल के हिसाब से, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। रिकॉर्ड करते समय परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सुरेश को क्रेडिट करेंगे। 14 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू में सुरेश। सुरेश यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, सुरेश गिवर है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया। जो अमाउंट है 2,500 रिकॉर्ड कर ली जाएगी जर्नल्स के अंदर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो हमने ये रिकॉर्ड किया, सेकंड ट्रांजेक्शन हमने ये रिकॉर्ड किया है। ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, ये आपको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। 16 अप्रैल को पेड टू सुरेश बाय चेक, जो सुरेश थे ये परचेज की गई थी, अब इस सुरेश को पेमेंट कर दी गई है चेक के थ्रू, तो हमने कैश बुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करने हैं बाय सुरेश के नाम से बैंक कॉलम के अंदर। 16 अप्रैल को बाय सुरेश के नाम से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी 2,500 रुपये। 17 अप्रैल को चेक का जो रिसीव हुआ है अजय से, ये बैंक नहीं करवाया गया, यानी बैंक में जमा नहीं करवाया गया,
तो जब बैंक में जमा ही नहीं करवाएगा तो इसको कैशबुक के अंदर तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चेक इन हैंड की एंट्री हो गई है। यहाँ पे रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, अजय से, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल के अंदर। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अजय से रिसीव हुआ है तो टू में अजय क्रेडिट किया जाएगा। 17 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया जाएगा जो रिसीव हुआ अजय से, तो टू में अजय को क्रेडिट किया जाएगा 3700 से। इसकी ट्रांजेक्शन कैशबुक के अंदर नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं की गई है। 20 अप्रैल को चेक जो रिसीव हुआ था अजय से, यानी कि ये जो चेक रिसीव हुआ था, इंडोर्स कर दिया गया विजय को। अब यहाँ पे जब ये चेक अजय से रिसीव हुआ, इसको इंडोर्स कर दिया गया विजय को, तो यहाँ पे रिसीवर कौन हो चुका है, विजय हो चुका है। तो इसको कैसे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, इंडोर्समेंट के केस में कवर करते हैं। 20 अप्रैल को एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे विजय रिसीवर है, तो यहाँ पे विजय को डेबिट कर दिया जाएगा। क्या इसको ट्रांसफ़र किया गया चेक, तो ये चेक इन हैंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यही 3700 का चेक है जो अब विजय को इंडोर्स कर दिया गया, यानी कि बीच में एक कंपनी है, कंपनी को चेक मिला था अजय से, अजय से चेक मिला और ये चेक इसने क्या कर दिया, आगे विजय को ट्रांसफ़र कर दी, जिसे इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी चेक इन हैंड को रिसीव करने की, तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पे गिवर था जो वो अजय था, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट कर दिया। अब यही जब चेक विजय को ट्रांसफ़र कर दिया गया, इंडोर्स कर दिया गया, तो इस केस में विजय रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, विजय को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या इसको दिया गया चेक, यही चेक, तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट था तो क्लोज कर दिया अकाउंट को क्रेडिट करके। इस तरीके से इसके जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, कैशबुक में इसका कोई भी जगह नहीं है। 22 अप्रैल को रिसीव हुआ चेक महेश से और डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, चेक रिसीव हुआ महेश से और उसको बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री अगर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, बैंक अकाउंट डेबिट हो महेश के नाम से, तो यहाँ पे बैंक डेबिट करते तो कैशबुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू महेश के नाम से ये बैंक के अंदर जमा किया गया, तो बैंक कॉलम के अंदर 2700 रिकॉर्ड करेंगे। 22 अप्रैल टू महेश के नाम से बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 2700 रुपी। 24 अप्रैल को कैश रिसीव हुआ है 1000, चेक 1200 फॉर कैश सेल, सेल करने से रिसीव हुआ है, तो इसको हमने कैश बुक की रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करना है। कैश कॉलम में 1000 जाएगा, बैंक कॉलम में 1200 जाएंगे, अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। 24 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा 1000 कैश में सेल है और 1200 बैंक में दिखाएंगे। 25 अप्रैल को पेमेंट की गई बैंक को, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराया गया है, तो ये काउंटर एंट्री होगी क्योंकि इसमें जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया जाता तो इसका इफेक्ट बैंक और कैश और सेकेंडली कैशबुक की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पड़ता है, तो काउंटर एंट्री है। सबसे पहले मैं आपको ये एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसके बाद कैसे पोस्टिंग करें कैशबुक के अंदर समझाते हैं। अगर हम जर्नल रिकॉर्ड करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करते, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रही है इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 10000 अमाउंट है इसका, 10000 अमाउंट है। अब कैशबुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है तो कैशबुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 10000 रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल को टू कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 10000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। काउंटर एंट्री तो लेजर फोलियो कॉलम में सी वर्ड लिख देंगे कि ये डिनोट करता है काउंटर एंट्री है।
कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 10,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। 25 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से लेकिन कैश कॉलम के अंदर 10,000 रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोलियो कॉलम में सी वर्ड से डिनोट किया जाएगा काउंटर एंट्री को। 26 अप्रैल को चेक रिसीव हुए प्रेम से और सेंट इट बैंक, तो इसको इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। तो जैसे ही चेक रिसीव हुआ प्रेम से, उसको इमीडिएट बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम के नाम से। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता, तो कैश बुक में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू प्रेम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 4150। 26 अप्रैल को टू प्रेम के नाम से बैंक में जमा किया गया, तो बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी एंट्री 4150। 28 अप्रैल को बैंक नोटिफाई दैट प्रेम चेक हैज़ बीन डिसऑनर, कि प्रेम का चेक डिसऑनर हो चुका है और बैंक चार्ज 20 रुपी ऑन दिस चेक। तो बैंक ने 20 रुपये चार्ज किया उस चेक के ऊपर। जो ये चेक था प्रेम का, रिसीव हुआ था, बैंक में जमा कराया था, यही चेक डिसऑनर हो गया, खाली हो गया यही चेक, तब क्या करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस हैं बैंक चार्जेस, ये अब चेक के अंदर इन्वॉल्व करके कैंसिल किए जाएंगे। पहले मैं आपको इसके जनरल बताती हूँ, दोनों ही जनरल कैसे हमने रिकॉर्ड करनी है, 26 अप्रैल की ट्रांजेक्शन और 28 अप्रैल की ट्रांजेक्शन पहले दोनों जनरल में समझाती हूँ, फिर इसकी कैश बुक में पोस्टिंग आपको क्लियर करती हैं। 26 अप्रैल की एंट्री रिकॉर्ड करते कि जैसे चेक रिसीव हुआ प्रेम से, बैंक में इमीडिएटली जमा करा दिया, तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम के नाम से, यहाँ पे रिकॉर्ड किया था 4150। अब कहते जो ये चेक था ये क्या होगा, डिसऑनर होगा। जब डिसऑनर हो जाता है ना, तो उस केस से हम एंट्री पलट देते हैं, प्रेम क्रेडिट है तो यहाँ पे प्रेम को डेबिट कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट है यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये चेक का अमाउंट है इसी के अंदर शामिल किया जाएगा जो बैंक चार्जेज है 20, तो यहाँ पे जब हम कैंसिल करते समय अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 4170 रुपये रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बाय प्रेम के नाम से बैंक कॉलम में 4170 रुपये रिकॉर्ड करते हैं। 28 अप्रैल को बाय प्रेम के नाम से बैंक कॉलम में 4170 रुपये। 28 अप्रैल को किशोर ने डिपॉजिट करा दिया डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे जब कस्टमर डायरेक्टली जमा करा देते हैं बैंक अकाउंट के अंदर पैसा, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर के नाम से। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते जनरल रिकॉर्ड करते समय, तो कैश बुक में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू किशोर के नाम से 3,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। 28 अप्रैल को टू किशोर के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 3,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। 30 अप्रैल को बैंक ने चार्ज किया 60 रुपये फॉर बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 720 रुपये। तो यहाँ पे एक तो बैंक चार्ज है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो जब बैंक चार्जेस होते हैं इससे बैंक बैलेंस कम हो जाता है। अगर हम इसको रिकॉर्ड करते जनरल के अंदर, तो रिकॉर्डिंग की जाती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते, क्योंकि इससे बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो जनरल रिकॉर्ड करते समय हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक चार्जेस के नाम से 60 रुपये रिकॉर्ड करते हैं। 30 अप्रैल को बाय बैंक चार्जेस के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 60 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट उसके ऊपर पेमेंट की गई है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उसको डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो डेबिट किया जाएगा जिससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर हम इसके जनरल रिकॉर्ड करते तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते, तो हमने क्रेडिट साइड पे बाय
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से रिकॉर्ड करने हैं बैंक कॉलम के अंदर 720 रुपये। अब सारे ट्रांजेक्शन हमने 30 अप्रैल तक रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब टर्न आते टोटल करने की। तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट लेके चलते हैं। टोटल रिसिप्ट करेंगे सबसे पहले कैश की, तो कैश का टोटल करने से हमारे पास अमाउंट आता है 35,420 रुपये, बैंक का टोटल 41,650। पेमेंट साइड का टोटल करते हैं तो टोटल पेमेंट कैश की जो टोटल बनता है 27,250 रुपये, 50,950 रुपये। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस देखना है कि रिसिप्ट 35,420 है जबकि पेमेंट है जो 27,250 है, तो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 8,170 आएगा, तो इसको हमने बाय बैलेंस सीडी के नाम से रिकॉर्ड करना है। 41,650 रिसिप्ट्स हैं जबकि पेमेंट 50,950 हैं, तो यहाँ पे बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। मैंने ये क्रेडिट बैलेंस इसलिए बोला क्योंकि जो ये बैलेंस आया है ये क्रेडिट साइड के ज़्यादा आने के कारण आया, इस कारण से इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ये 9,300 रुपी है क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया गया है। तो जब हमने नेक्स्ट जो स्टार्टिंग करेंगे, नेक्स्ट मंथ बनेगा अप्रैल के बाद मई, 1 मई को, तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। कैश बैलेंस है, इस कारण से कैश के आगे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा 8,170। और ये बैलेंस है जो ये 1 मई को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से बैंक का जो कॉलम उसमें 9,300 रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कुछ टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।